भारत के सुनहरे अतीत की साक्षी पश्चिम बंगाल की अद्भुत धरोहरों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्राथमिकता रही है। 6 राष्ट्रीय संपदा कलाकार की वैभव कृतियों से समृद्ध बंगाल की कला और इसके केंद्र में कोलकाता के कई प्रमुख धरोहरों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। इनमें मेटकाफ हॉल और ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में किए गए बृहद कार्य उल्लेखनीय हैं। 1833 में बीबीडी बाग या डलहौजी स्क्वायर के चौराहे पर ओल्ड करेंसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। इटालियन स्टाइल आर्किटेक्चर से प्रेरित इस 3 मंजिल इमारत का निर्माण बैंक ऑफ आगरा के लिए हुआ था। 1868 में इस भवन को इश्यू एंड एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट करेंसी को दे दिया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम करेंसी बिल्डिंग पड़ा। आने वाले सालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कामकाज भी इसी भवन से हुआ करता था। 1994 तक ओल्ड करेंसी बिल्डिंग को उपयोग में लाया गया, पर 1996 में CPWD को इसे ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया। इमारत की मुख्य डोम के साथ कई हिस्सों को गिरा भी दिया गया था, पर हाई कोर्ट ने दी गई याचिका से इसे गिराने पर रोक लगा दी गई और इस भवन के रेस्टोरेशन की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दी गई। 2018 में ओल्ड करेंसी बिल्डिंग के संरक्षण का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कुशल विशेषज्ञों के नेतृत्व में आरंभ हुआ। सबसे पहले बिल्डिंग की पुरानी तस्वीर से इसके डिजाइन को समझकर इसके रेस्टोरेशन का काम आरंभ हुआ। जमे मलबे को निकालने के बाद पुरानी इमारतों में इस्तेमाल की जाने वाली चूने के गारे से यहाँ की दीवारों को जानकार कारीगरों द्वारा प्लास्टर किया गया। पिलर्स के फ्लोरल डिजाइन को मूल रूप देने के साथ साथ छत में पड़ी दरारों को भी दुरुस्त किया गया। यहाँ रेस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईंटों का निर्माण भी खास तरह की ईंट भट्टे में किया गया था। आखिरी चरण में खराब हो चुकी लकड़ी की खिड़कियों, दरवाजों और सीढ़ियों को भी पुराने डिजाइन की तरह बनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले 2 साल में किए गए सफल संरक्षण के बाद अब ओल्ड करेंसी बिल्डिंग अपने नए और भव्य स्वरूप में तैयार है। ओल्ड करेंसी बिल्डिंग का इस्तेमाल भविष्य में म्यूजियम और प्रदर्शनी के लिए किया जाएगा और यहाँ प्रदर्शित होने वाली कला में कोलकाता के संपन्न इतिहास को आने वाली पीढ़ी के लिए संजोया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के अद्भुत धरोहर विक्टोरिया मेमोरियल, नेशनल लाइब्रेरी, मेटकाफ हॉल के साथ साथ ओल्ड करेंसी बिल्डिंग को नए रूप में देश को समर्पित करेंगे।